पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व पीएम को नमन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च कर दी है। बुधवार 16 अगस्त को हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को ये समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार शाम पार्टी के नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर पर बुलाई गई है। मीटिंग में इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर बात होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी 15 CEC मेंबर्स के भाग लेने की उम्मीद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मंगलवार को मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए। ये रामकथा ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रही है। यहाँ सुनक ने कहा कि वे पीएम नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर कथा में शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। सुनक ने मुरारी बापू से कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से उस तरह से शासन चलाने की इच्छा रखता हूँ जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है या हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है। दिग्विजय सिंह के सवाल पर जवाब देते हुए भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, इनकी वाणी में जहर भरा है। भारत इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ हिंदुत्व और हिंदू है। हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। आज बुधवार को सराफा बाजार में सोना सस्ती कीमत पर व्यापार करता दिखाई दे रहा है, जबकि चांदी स्थिर भाव पर ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रही है। आज 16 अगस्त 2023 को सराफा बाजार में सोने की कीमत 54,600 है, वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 59,550 हो गई है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कुछ शहरों में बूंदाबांदी हो सकती है। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 अगस्त के बाद पूर्वी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हो रहा है, इससे एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो सकती है। मंगलवार को विराट कोहली का नाम एक और फर्जी खबर में घसीटा गया। इस बार खबर में दावा किया गया कि कोहली अपने अलीबाग फार्म हाउस में क्रिकेट पिच बनाने की योजना बना रहे थे। इस पर विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इस खबर को फेक बताया। कोहली की पुष्टि के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाड़ लगा दी। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 ने रिलीज के 5वें दिन भी कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म ने इंडिपेंडेंस डे पर 55 करोड़ की कमाई की। इसके साथ ही यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में 15 अगस्त के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 229 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं ग्लोबल कमाई में फिल्म 300 करोड़ के पास पहुँच गई है। पॉपुलर कॉमेडी हिट फिल्म वेलकम और वेलकम 2 ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है और फैंस को इसके तीसरे इंस्टॉलमेंट वेलकम 3 का इंतजार है, जिसकी रिलीज डेट सामने आ चुकी है। वेलकम 3 का टाइटल वेलकम टू द जंगल है। फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जो कि क्रिसमस 2024 है।